राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत राजस्थान के उदयपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान राम मंदिर के एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राम का काम करना है तो राम का काम होकर रहेगा। आरएसएस शुरू से ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की पैरोकार रही है। इसके लिए अखिल भारतीय स्तर पर कई आंदोलन भी चलाए गए हैं। यह संस्था मौजूदा बीजेपी सरकार पर दबाव भी बनाती रही है ताकि किसी उचित फैसले के तहत राम मंदिर का निर्माण हो सके। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार का यह मसला अदालती फैसले के जरिए निपटाना चाहती है। अयोध्या की विवादित जमीन पर मंदिर बने या नहीं, फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि इतिहास कहता है कि जिस देश के लोग सजग, शीलवान, सक्रिय और बलवान हो, उस देश का भाग्य निरंतर आगे बढ़ता है। संघ प्रमुख ने कहा कि हमेशा चर्चा होती है कि भारत विश्व शक्ति बनेगा, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक डर का एक डंडा अवश्य होना चाहिए, तभी दुनिया मानेगी। मोहन भागवत ने मुरारी बापू का संबोधन याद दिलाते हुए कहा कि राम का काम सभी को करना है और राम का काम होकर रहेगा। इससे पहले सह सर कार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि अभी से सुप्रीम कोर्ट को देखना है। प्रतिनिधि सभा की बैठक में सुप्रीम कोर्ट की पहल से संघ को लगता है कि मंदिर निर्माण में आ रही बाधाओं को जल्द दूर किया जा सकेगा और मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होगा। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।